हेलो ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ़ द लॉर्ड Jesus Christ और एक बार फिर से आज की सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं I is to be with you today और आज के दिन फिर से आपके साथ होकर मैं बहुत to खुश हूं so that let us meditate on God's word और आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें and let's hear the voice of God और इसके द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुनें remember

much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए क्रिश्चियन लाइफ इज फोल्ड लाइफ और याद रखिए मसीही जीवन एक दोहरा एक दो तरीके से है मेनी ऑफ अस सी ओनली वन आवर लेकिन इस मसीही जीवन की एक ही पहलू को हम में से बहुत देखते हैं जीसस सेव्स यीशु कहता है saves. और यीशु बचाता है What do डू यू अंडरस्टैंड this दिस और इस वाक्य के द्वारा आप क्या समझते हैं यीशु बचाता है

क्रिस्टियन वट क्रिस्टियन लाइफ बिकम्स कम्प्लीट और तभी हमारे मसीही जीवन का जो समझ है वो पूर्ण हो जाएगा वी मे नीड बाई दू और थ्री मेडिटेशन फॉर दिस और हो सकता है इस भाग को खत्म करने के लिए दो या तीन भागों में मैं इसे करूंगा बट आई विल डू दैट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू अंडरस्टैंड फैसे लेकिन मैं ऐसा करूंगा जरूर क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम मसीही जीवन के दोनों पहलुओं को समझ सके नंबर वन पहली बात लाइफ लाइफ एंड लाइफ मोर अबेंडेंटली और जीवन और जीवन जो कि बहुतायत का जीवन हो वी आर सींग टू फैसेट हियर दो बातों को हम यहाँ पर देखते हैं वी आर लाइफ हमारे पास जीवन है एंड देन मोर अबंडेंट लाइफ और दूसरे हाथ पर एक बहुतायत का जीवन सम पीपुल कैन हैव लाइफ

एंड इट टू दिन में आया ताकि उनके पास जीवन आ जाए और सिर्फ जीवन नहीं लेकिन बहुत तायत का जीवन इज टू फैसे पर हम अपने उद्धार के दो पहलुओं को देख सकते हैं and, uh, uh, और किस बात को हम यहाँ पर देखते हैं इन एक में हमारे पास जीवन है Life और दूसरे में हमारे पास जीवन है जो बहुत तायत से बहता है क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सा आपका है सम no और कुछ के पास जीवन है और सिर्फ इतना ही दे आर अनकंफर्टेबल एंड खान और वो अपने में दुखी और शारीरिक लोग होते हैं

और वो तो स्वर्ग से बंधे हुए या बंधुआ हैं। लेकिन वो स्वर्ग से जो आनंद आता है वैसे नहीं। and that happiness can be experienced here and now. और वो जो आनंद है स्वर्ग का उसे अभी और इसी क्षण इस जगह पर आप इसका आनंद ले सकते बट फॉर पीपल ओनली हैव लाइफ लेकिन वे लोग जिनके पास सिर्फ जीवन है रीच तो है या आनंद है वो रखा गया है कि तब उन्हें मिलेगा जब वो स्वर्ग पहुंच जाए नॉट ओनली ये इसलिए नहीं आया कि हमें सिर्फ जीवन मिले बट द मैनर इन विच वी है लेकिन किस तरीके का या किस तरीके से हमें जीवन मिले That is important. Some people have life. कुछ लोगों के पास जीवन है बट uh, there is breath, no doubt. और ये कोई संदेह नहीं कि वो सांस तो है एंड uh, such people are not really enjoying. और life. ऐसे लोग सत्य रूप में जीवन का आनंद नहीं लेते A person can be completely invalid. And और हो सकता है कि व्यक्ति वो पूरा उस बिस्तर पर ही लेट बिताया और कुछ लोग आत्मिक रूप ऐसी ऐसे ही है, तो है। yes, क्यूँकी उन्होंने ये शु आरोप विश्वास किया बट यू नो

बट uh, more more, more, uh, लोगों के पास जीवन तो है लेकिन उनसे ज्यादा कई लोग और के पास बहुत तायत का जीवन है द क्वेश्चन और सवाल फिर से यही उठता है कि आपके पास क्या लाइफ और लाइफ अबंडेंट क्या आपके पास जीवन है या बहुत का जीवन टू भरपूरी का जीवन words, और ये दूसरे शब्दों में ऐसा जीवन जो उमड़ उमड़ करके दूसरों को दिखता Some, है kind of प्रकार के लोग अपने आनंद में बहुतायत से भरे होते हैं और उत्साहित होते हैं हर वक्त एंड वन थिंग अबाउट सच लाइफ इज और इस जीवन का एक ऐसी बात ये है एंड इन दिस लाइफ फुल लाइफ देर इज ऑल्सो द फुलनेस ऑफ पीस एंड जॉय याद रखिये इस जीवन में एक आनंद की भरपूरी है

फुलनेस ऑफ फीस एंड जॉय और परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो परमेश्वर के एक आनंद और उत्साह को हमारे अंदर लेकर यू है वहां पर लिखा है तूने मेरे जीवन के मार्ग को मुझे दिखाया यू विल फिल मी विद जॉय इन योर presence विथ एक्सटर्नल प्रेशर्स एट योर राइट हैंड और तू मुझे आनंद से अपनी उपस्थिति में भर देगा ताकि मैं तेरे अनंत काल तक उस उन बातों का आनंद तेरी उपस्थिति में लेता The word of God clearly क्लियरली here। और जो परमेश्वर का वचन पर है बड़ी स्पष्ट रीति से यहाँ लॉड Lord, there is this overflowing fullness of joy। कि तेरी उपस्थिति में भरपूरी आनंद की भरपूरी है। राइट हैंड right there आर pleasures for forevermore और तेरे दाहिने हाथ पर उत्साह और और उत्साहित करने वाली आशीषें मौजूद है you come into the house of god और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और on sunday morning या रविवार की सुबह there are all kinds of people coming हर प्रकार के लोग यहाँ आते हैं and there are people there's both

और हर बात को एक बहुत ही प्रक्रिया के अनुसार वे करते हैंड लेकिन दूसरे हाथ पर सम so परमेश्वर की उपस्थिति का इतना आनंद लेते हैं और वो उस आनंद को अपने अंदर छुपा नहीं सकते to to so और इसलिए वो आनंद की भरपूरी से फूट पड़ते हैं और जब आराधना स्तुति का समय हो है वो बढ़ चढ़कर उसमें मुक्त के द्वारा परमेश्वर की आराधना में हिस्सा लेते हैं लिफ्टिंग ऑफ द हैंड्स एंड दे लोड एंड दे आर नॉट अ दे आर नॉट पीपुल कॉन्शियस They are God -conscious. और वो ताली बचाएंगे ऊंची आवाज में परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करेंगे और उन्हें लोगो की चिंता नहीं है लेकिन आते हैं सुनते हैं तब उन्हें लगता है की सच में परमेश्वर का वचन उनके हृदयों को हिला रहा कर रहा या प्रभु जय मसीह की चिल्लाना चाहते हैं पर देख

यह तरीका है जिसके द्वारा हम आत्मा की आग को बुझाते हैं दैट स्टेयरिंग विल नॉट कम सिंपली जस्ट लाइक दैट बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इजरिंग योर हार्ट To praise the Lord याद for what you are वो, वो कायलता अपने आप नहीं आती लेकिन ये तो परमेश्वर की आत्मा है जो आपको कायल करती है कि आप उसकी स्तुति आराधना और प्रशंसा करेंट ऑफ ऑल बिलीव ऑफ गॉड से और पहली बात हमें ये विश्वास करना है उस बातों पर जो परमेश्वर का वचन से परमेश्वर का वचन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है तो मैं क्यों आनंद नहीं ले पाता आई एंकरेज ऑल ऑफ यू लिसनर और इसलिए आज की सुबह जो भी हमें सुन रहे हैं मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ जॉय द फुलनेस ऑफ जॉय वेन यू कम इन देशेंस ऑफ आप परमेश्वर की आनंद की भरपूरी का आनंद ले लें। इट इज फॉर यू ये आपके लिए है एंड सो डोंट मिस द जॉय ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड और इसलिए परमेश्वर की जो स्तुति और आराधना का समय है उसे भूले ना या उसका मन ना उसे हटाए अन्य दीज ब्लिंग और इन आशीषों का आनंद Given गिवन टू through Jesus Christ जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है He is called the Prince of Peace. और याद रखिए उसे शांति का राजकुमार कह के बुलाया गया है बिकॉज दैट्स वाई वेन वी कम इन इज प्रेजेंस वी कैन एंजॉय जॉय एज वेल एज पीस क्योंकि इसलिए क्योंकि हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं हम आनंद और शांति का आ, की भरपूरी को पा सकते हैं एंड वी शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर Worshipful spirit.

कभी भी परेशान या लज्जित नहीं महसूस करता था एंड हीज वाइफ माइकल किंग सॉल्स डॉटर यूनो वॉज वॉज मेकिंग फन ऑफ द वे डेविड वॉज वर्शिपिंग इन फ्रंट ऑफ दर्क एस दे ब्रिंगिंग दर्क इन टू दर टेम्पल और दाऊद की पत्नी माइकल जो कि साउल राजा की बेटी थी वो दाऊद का मजाक उड़ा रही थी कि किस प्रकार से दाऊद राजा ने खुद को शर्मिंदा किया आज नग्न अवस्था में नाचते हुए जब वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को यरूशलेम नगर में वापस ला रहा था। और जब दाऊद घर वापस आया एंड हिज वाइफ Uh, mocked him and uh, made fun of him. And what did David say? He said, I will make myself baser than I was today. और मैं खुद को और नीचा जानूंगा या और नीचे गिराऊंगा जितना मैं I will never be ashamed to praise my God. और कभी भी अपने परमेश्वर की स्तुति या प्रशंसा करने में शर्मिंदा नहीं आई फील और जिस भी तरीके से मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज ही पिक मी फ्रॉम द शीप फोल्ड एंड मेड मी किंग क्योंकि उसने मुझे उन गधरियों के बीच में से उठाकर एक राजा के रूप में स्थापित कर दिया और तेरे तेरे पिता का विरोध किया so और इसलिए इस मैं इस परमेश्वर के प्रति कभी शर्मिंदा नहीं says, और वचन बताता है माइकल रिमेन चाइल्डलेस टिल लाइफ की माइकल साउल राजा की बेटी और दाऊद की पत्नी अपने जीवन के अंत तक उसे बच्चा या बेटा या बेटी नहीं प्राप्त हुआ। और ये एक महान परमेश्वर का न्याय था जो उसके ऊपर मोस्ट शेमफुल थिंग्स टू गो थ्रू कि बांझ होना या बच्चा रहित होना एक सबसे शर्मिंदा करने वाली बात एक स्त्री के लिए उन दिनों में हो सकती है so Uh, let us not contain ourselves to the extent that we miss the joy and exuberance. of a happiness in the presence. और इसलिए होने ना दें कि हम अपने आप को इतना सीमित कर लें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ना लेने पाए। We will continue this हम इस मनन को जारी रखेंगे in the, the next devotion अपने अगले भाग में. But meanwhile लेकिन तब तक whatever you heard जो कुछ भी आपने सुना practice it उसको अपने जीवन में लागू करें In the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति there is fullness of joy पर आनंद की भरपूरी है and let है। us express that joy और होने दें हम उस आनंद को दिखाएं. dance before the lord hallelujah hallelujah may the holy spirit bless you with that spirit A spirit of worship as the holy spirit is ready to bless and aid anyone Who wants to worship exuberantly. जैसे कि पवित्र आत्मा तैयार है सहायता करने के लिए किसी की भी जो तैयार है परमेश्वर के उपलब्ध है परमेश्वर की आराधना एक सच्चे दिल से करने हालेलुया हालेलुया इवन नाउ और आप भी राइट right नाउ अभी इसी वक्त रवै जहाँ कहीं पर भी आप नील डाउन आप घुटनों पर बैठे अपने हाथों को को परमेश्वर की और उठाएं, और और उसकी उसकी स्तुति स्तुति प्रशंसा करें। करें। किसी भी बात को मांगे ना। सिर्फ उसकी करें। sick, अगर आप बीमार हैं यू विल तब आप पाएंगे आप चंगे हो गए हैं weak, और अगर आप कमजोर हैं, यू विल बी स्ट्रेंग तब आपको मजबूती इफ यू आर ग्लूमी टूडे और अगर आप आज के दिन किसी बात को महसूस टू वर्शिप एंड तो वैसी सारी परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी ब्लेसिंग भी परमेश्वर की आशीष आपसे जीवन का आनंद उठाएव डे और एक अच्छा दिन आपका भी थे आमे